के बाद में पहली वहाँ की विधायक हूँ। मैंने हमेशा इसकी शिकायत कही है कि मान सम्मान नहीं मिलता है। मैं कहूँगी हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम एक पंचायत अध्यक्ष भी अपने जिला में अपने विधानसभा में रहने के लोग हैं। अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ कोई लोग कोई गाली गलौज कराकर कोई उसको दबाकर। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल को झटके पर झटके मिलते जा रहे हैं। वहीं बागी विधायक संगीता कुमारी ने राजद पर बड़ा आरोप लगाया है। संगीता कुमारी ने कहा कि विधायक होने के बाद भी मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं एक ग्राम पंचायत अधिकारी को अपने हिसाब से रख सकूं। गांव में काम कराने के लिए मुझे उनके पैर पकड़ने पड़ते थे। मेरे साथ ऐसा व्यवहार केवल इसलिए होता था क्योंकि मैं एक दलित महिला हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे पंचायत स्तर तक का निर्णय भी नहीं लेने दिया जाता था। ये नहीं है, जो है खासकर मेरी अगर पर्सनल मेरी बात करिएगा, मैं सुरुचि सीट की विधायक हूँ, मैं एक महिला विधायक हूँ, आजादी के 25 लगभग इतने वर्षों के बाद मैं पहली वहाँ की विधायक हूँ। मैंने हमेशा इसकी शिकायत कही है कि मान सम्मान नहीं मिलता है। एक महिला होने के नाते जब भी मैं कहूँगी हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम एक पंचायत अध्यक्ष भी अपने जिला में अपने विधानसभा में रख सकें। इसकी शिकायत ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रही हूँ। मेरी जो ये और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ कोई लोग कोई गाली गलौज कराकर कोई उसको दबाकर, तो आप दलित जग चुके, आप दलित नहीं बर्दाश्त। आरजेडी में गाली दी जाती थी आपको, आरजेडी में आपको गाली दी जाती थी, आरजेडी में गाली दी जाती थी, आप ये कर रही हैं। अगर मैं उस विधायक की क्या स्थिति होगी जो उस विधायक के उसी पार्टी के लोग बैठ कर मीटिंग करते हैं, उसी पार्टी के लोग, जब मैं इसकी शिकायत भी करती हूँ कि ये स्थिति है, हम लोग की दिक्कत होती है, हम लोग को कोई नहीं सुनता है। अगर जब संगठन में भी मैं बात करना चाहूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ या किसी को भी एक पंचायत अध्यक्ष हो, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पंचायत अध्यक्ष के भी पैर पकड़ के मुझे ये करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें पार्टी में है। मैं अभी वहीं बीते 1 मार्च को भाबुआ क्षेत्र के राजद विधायक भरत बिंद भी भाजपा के पाले में आ गए। बिहार में सरकार बदलने के बाद राजद के 5 विधायक भाजपा के पक्ष में आ चुके हैं। बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को विधानसभा में राजद के विधायक भरत बिंद सत्ता पक्ष की ओर आकर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी से उनसे प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। क्या राहुल गांधी की नीतियां जो है वो सही नहीं लगी क्या? आरजेडी में तेजस्वी यादव क्या लग रहा है, ठीक से नहीं चला पा रहा है? नहीं, मैं सब लोग है, ठीक चला रहा है। धीरे धीरे आपके पार्टी के लोग आ रहे हैं ना? ठीक है, अपनी नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं। आगे तो प्रधानमंत्री के काम से प्रभावित है, एक-एक लोग करके आ रहे हैं आपके यहाँ से। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद के 3 विधायक प्रहलाद यादव, चेतन आनंद और नीलम देवी ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया था। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।